हेलो गाइस, मैं मुकेश एक प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट और साथ ही साथ स्किन स्पेशलिस्ट हूँ। मुझे 9 साल से ज़्यादा का अनुभव है बड़े बड़े सलोन्स में काम करने का और कैसे वहाँ पे आप लोगों को ट्रीटमेंट दिए जाते हैं इस चीज़ का। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो आज का वीडियो है वो बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हमें अपने स्किन टाइप के बारे में कैसे पता चले कि हमारा स्किन टाइप है क्या। देखिए, स्किन टाइप बेसिकली 3 तरह के होते हैं। कॉम्बिनेशन स्किन टाइप होती है, ड्राई होता है और ऑयली होता है। ड्राई और ऑयली स्किन टाइप अलग अलग हो गया, और कॉम्बिनेशन स्किन टाइप वो स्किन टाइप होता है जिसके अंदर ड्राई और ऑयली होने का दोनों कॉम्बिनेशन साथ में होता है, और उन स्किन के अंदर कंसर्न आने के बाद में वो डल और ग्लोइंग कम होना, डार्क सर्कल्स आना, ये सब कंसर्न्स होते हैं। ये स्किन टाइप नहीं होता। बेसिकली स्किन टाइप हमारे 3 ही टाइप के होते हैं जो हम मैंने पहले आपको बता दिया। तो हमें कैसे पता चले कि स्किन हमारा किस टाइप का है? अगर आपका फोरहेड का एरिया और नोज़ एरिया, चिक एरिया अगर आपका ड्राई होता है तो आपको समझ जाना चाहिए, या फिर ज़्यादातर वॉश के बाद में भी ड्राई ही रहता है तो आपको समझ जाना चाहिए ये स्किन टाइप आपका ड्राई है। और अगर आपका फोरहेड का एरिया पूरा ऑयली रहता है, नोज़ एरिया ऑयली रहता है और चिक एरिया ड्राई है बट थोड़ा बहुत नीचे का एरिया जो होता है वो थोड़ा ऑयली है, तो वॉश होने के 2-3 मिनट बाद ही फिर से ऑयल आ जाता है, तो इसका मतलब साफ है कि आपकी स्किन ऑयली है। आप अपने स्कैल्प से भी पता कर सकते हैं। अगर आप हेड वॉश कर रहे हैं, हेड वॉश करने के बाद में अगर सेकेंड डे ही आपके सर में ऑयल आ जाता है जो कि नेचुरल ऑयल होता है, तो आप समझ जाइए कि आपकी स्किन पूरी की पूरी ऑयली स्किन है। और कई बार ऐसा भी होता है कि स्किन हमारी सर की जो होती है वो ऑयली होती है और बाकी हमारे फेस का जो एरिया होता है वो ड्राई होता है। तो बेसिकली हमें ये पता करना है कि हमारा चिक एरिया के साथ में फोरहेड एरिया हो गया, नोज़ एरिया हो गया, कि किस तरीके से जाता है। और कुछ लोगों के लिए क्या होता है कि जैसे कि उनका फोरहेड एरिया ऑयली होता है और साथ ही चिक एरिया ड्राई होता है, नोज़ एरिया पर बहुत ज़्यादा ऑयल आता है, तो इस टाइप में स्किन को कॉम्बिनेशन होता है, इसे हम कॉम्बिनेशन वाले स्किन टाइप कहते हैं। तो हमने बेसिकली ये जान लिया कि हमारी स्किन किस तरह की है, कब ऑयली होती है, कब ड्राई होती है और कब वो दोनों ही हैं, तो उसे कॉम्बिनेशन स्किन टाइप कहेंगे। ड्राई टाइप, ऑयली टाइप एंड हमारा कॉम्बिनेशन स्किन। तो ये हो गया हमारे 3 स्किन टाइप, बेसिकली हमारे 3 स्किन टाइप होते हैं। तो वैसे ही अगर हमारे चैनल में आपको और भी ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमें सपोर्ट करें। कीप सपोर्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग गाइस।